हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकल के आया है, जिसमें बीईबीटेक एमईएमटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू होगा। इसमें आपको सैलरी 31,000 प्लस एलोवेंसेज वगैरह मिल जाएगी। ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं इस वीडियो में डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सी पोस्ट निकल के आया है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर क्या होने वाली है। तो हर एक चीज़ एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट चलते ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जोधपुर की तरफ से आया है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, यहीं पे जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए पोस्ट निकल के आया गया। इसमें आपको सैलरी 31,000 प्लस एचआरए पर मंथ मिल जाएगी और उसके साथ आपको मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें आपको इनिशियली 2 ईयर्स के लिए हायर किया जाएगा और उस 2 ईयर्स में आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उसके बाद इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा और उसके साथ आपका सीनियर रिसर्च फेलोशिप में अपग्रेड भी हो सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिटेल्स पोस्ट की बारे में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, जिसमें 12 नंबर ऑफ वैकेंसी 3 निकल के आया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीईबीटेक करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पे गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स या तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में से 2 साल का एमईएमटेक करके रखे हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है मैकेनिकल वालों के लिए, जिसमें 12 नंबर ऑफ वैकेंसी 1 निकल के आया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीईबीटेक करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और उसके साथ आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से 2 साल का एमईएमटेक करके रखे हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है फिजिक्स के लिए, जिसमें 12 नंबर ऑफ वैकेंसी 4 निकल के आया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग मटेरियल साइंस नैनो टेक्नोलॉजी में से 4 साल का बीईबीटेक करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और उसके साथ आपका मटेरियल साइंस या तो नैनो टेक्नोलॉजी में से गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप लोग नैनो टेक्नोलॉजी या तो मटेरियल साइंस में से एमईएमटेक करके रखे हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग फिजिक्स में से एमएससी करके रखे हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, बट उस केस में आपका फिजिक्स में गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट है केमिस्ट्री के लिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 निकल के आया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग या तो मटेरियल साइंस या तो पॉलीमर साइंस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और नैनो टेक्नोलॉजी में से 4 साल का बीईबीटेक या तो 2 साल का एमईएमटेक करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आप लोग बीईबीटेक करके रखे हो तो उस केस में आपको गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप लोग केमिस्ट्री में से एमएससी करके रखे हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, बट उस केस में आपका केमिस्ट्री में गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम एज लिमिट यहीं पे 28 ईयर्स तक रखा गया है। उसके अलावा अगर आप लोग एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ओबीसी कैंडिडेट हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। जैसे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 5 साल का और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में। तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपके क्वालिफिकेशन और आपका गेट स्कोर के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और अगर आप लोग इसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा और हर एक पोस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू का डेट रखा गया है। जैसे फिजिक्स के लिए वॉक इन इंटरव्यू डेट रखा गया है 6 दिसंबर 2021, केमिस्ट्री के लिए 7 दिसंबर 2021, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 8 दिसंबर 2021 और मैकेनिकल वालों के लिए 9 दिसंबर 2021। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आप लोग वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उस टाइम आपको कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाएगा और वॉक इन इंटरव्यू के लिए टाइम रखा गया है 10 AM। वेन्यू यहीं पे मेंशन किया हुआ है कि आप लोग देख सकते हो कि आपका वेन्यू राजस्थान जोधपुर पे रहेगी। डिटेल्स में यहीं पे मेंशन किया हुआ है तो आप लोग आपके हिसाब से उसका डिटेल्स चेक कर लेना। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो उस टाइम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको साथ में लेके जाना है, जिसका मैं एक एक करके डिस्कस कर देता हूँ। जिसमें फर्स्ट आपका जो सीवी है उसको आपको साथ में लेके जाना है और आपका सीवी में राइट साइड कॉर्नर पे आपको एक कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटैच करना है। उसके साथ आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स है उसका ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी,
उसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ये सब डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको साथ में लेके आप जिस भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके रिलेटेड जो भी इंटरव्यू का डेट मेंशन किया हुआ है उसी डेट पे आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है। तो फ्रेंड्स ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन और वीडियो का डिटेल्स। मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपका कुछ डाउट्स या तो क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले सारी अपडेट मिल सके। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि एग्जाम के रिलेटेड हर एक अपडेट आपको वहां पे मिल जाएगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।